बेगूसराय में सोमवार को मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त दयानिधान पांडे ने मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार, एसडीओ रामानुज सिंह, सदर एसडीपीओ अमित कुमार सहित कई थाना के थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। इस संबंध में बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि आयुक्त के द्वारा मंडल कारा का गहनता से निरीक्षण किया गया है, साथ ही साथ सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वॉच टावर, महिला बंदियों के लिए वार्ड बनाने का सुझाव दिया गया है जो अनुमोदन के लिए विभाग को भेजा जाएगा। इसके अलावा साफ सफाई का निरीक्षण किया गया, जेल में किचन का निरीक्षण किया गया जो संतोषजनक पाया गया है। इसके अलावा कार्यालय संचालन के लिए सभी पंजी और संचिकाओं की गहनता से जाँच की गई। इसके संबंध में कई आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। जिन पंजियों का संधारण नहीं हो रहा था उसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश आयुक्त के द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि इस दौरान सभी वार्डों की गहनता से निरीक्षण किया गया, वहीं जेल के अंदर साफ सफाई और हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया। डीएम ने बताया कि साफ सफाई संतोषजनक पाया गया है, वहीं कई अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जिन पंजों का संधारण ठीक ढंग से नहीं हो रहा था उसके लिए आवश्यक निर्देश जिला अधीक्षक को दिया गया है, वहीं शिकायत पेटी की भी जाँच की गई। इस दौरान जेल में कैदियों के साथ दरबार लगाने का निर्देश जेल अधीक्षक को दिया गया है। बीएनबी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। क्या सर, आज ये कमिश्नर मुगेश सर के द्वारा यहाँ पे बेगूसराय के कारा का निरीक्षण किया गया और बहुत विस्तार से उसका निरीक्षण हुआ। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू पे जो जो आवश्यकता है उसके बारे में सर ने निर्देश दिया, उसमें भी अपने पॉइंट में नोट किया और विभाग से इसमें अप्रोच किया जाएगा। जैसे वॉच टावर की आवश्यकता था यहाँ पे और जो फेंसिंग लगा है उसको इलेक्ट्रीफाई करने का, इसके अलावा महिला बंदियों के लिए भी चिकित्सा वार्ड बनाने का सर का सुझाव था, उसको विभाग को भेजा जाएगा सर के स्तर से भी। इसके अलावा साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया, किचन का भी देखा गया, संतोषजनक पाया गया उसमें, और साथ ही साथ कार्यालय संचालित कराने के लिए जेल के संचालन के संबंध में विस्तार से सभी पंजियों का, सभी संचिकाओं का निरीक्षण किया गया और उसके संबंध में बहुत सारे इंपॉर्टेंट निर्देश भी दिए गए। कुछ एक पंजियों का संधारण अभी ठीक से नहीं हो रहा था, उसके संबंध में अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि उसका संधारण करवा लें, और साथ ही साथ शिकायत पेटिका और बंदियों के साथ दरबार लगाने के संबंध में भी विस्तार से सर के द्वारा निर्देश दिया गया है और अधीक्षक के द्वारा आश्वस्त किया गया है। ज़्यादातर चीज़ें संतोषजनक आई हैं, लेकिन कुछ एक कमियां थी जो हर बिंदु पर, उसको अधीक्षक अपना उसको अनुपालित करवा के अनुपालन प्रवेदन आगे के निर्देशन को समर्पित करेंगे। वार्डों का भी सर निरीक्षण किया, किसका वार्डों का भी जो अंदर वार्ड है उसका भी टीम बना के उसमें निरीक्षण किया गया, सभी सिपाही